हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर हिप रिप्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो हिप रिप्लेसमेंट है उसका जो सबसे प्रमुख इंडिकेशन है दोस्तों, वो है बायलेटरल एवियन का हो जाना या बायलेटरल गठिया बाय या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का हो जाना। बायलेटरल का मेरा मतलब है कि दोनों ही कूल्हे इन्वॉल्व हो गए, राइट भी इन्वॉल्व है और लेफ्ट भी इन्वॉल्व है। तो जब पेशेंट हिप रिप्लेसमेंट का मन बनाता है तो उसके मन में पहला सवाल ये होता है कि अगर मेरे दोनों ही कूल्हे ख़राब है तो क्या मैं दोनों के ऑपरेशन एक साथ करा लूँ या वन बाई वन कराऊँ, और अगर मैं वन बाई वन कराऊँ तो क्या फ़ायदा नुकसान है, और दोनों एक साथ कराऊँगा तो क्या फ़ायदा नुकसान है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि अगर दोनों कूल्हे ख़राब है तो क्या एक साथ रिप्लेसमेंट कराना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोनों कूल्हे अगर आपके ख़राब हो गए हैं और अगर आपको कोई कह रहा है कि आप दोनों कूल्हे एक ही ऑपरेशन में सही करा लो, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आपने दोनों कूल्हों का ऑपरेशन एक साथ कराया तो आपकी बॉडी पे इतना लोड पड़ेगा दोस्तों, इतना आपका पेन रहेगा कि काफ़ी अनबियरेबल हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर दोनों कूल्हे ख़राब है तो थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसके बाद ही दूसरा, यानी पहले एक कूल्हे का ऑपरेशन कराइए और उसके कुछ टाइम बाद दूसरे कूल्हे का ऑपरेशन कराना चाहिए। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, अगर ठीक है आपकी बात हमने मान ली कि दोनों कूल्हों का ऑपरेशन एक साथ नहीं होना चाहिए, तो दोनों कूल्हों के ऑपरेशन में कितना गैप होना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम भी दोनों कूल्हों के अंदर 6 से 7 दिन का गैप होना चाहिए, और अगर बढ़िया रखना चाहो तो 1 महीने का गैप रखना चाहिए। जब भी शरीर में कोई ऑपरेशन होता है तो ब्लड लॉस भी होता है, बॉडी का पूरा मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है, आपको ग्लूकोज चढ़ता है, एंटीबायोटिक चलती है, बॉडी की जो इम्यूनिटी है उस पर भी लोड पड़ता है। सरल भाषा में मैं कहूँ तो बॉडी के लिए एक्सीडेंट होना या ऑपरेशन होना दोनों एक जैसी चीज़ है। अब आप सोचिए कि आपका एक एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ अगले दिन दूसरा एक्सीडेंट होगा, तो बॉडी किस तरह से उसको टॉलरेट करेगी। ऐसे में सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अगर दोनों कूल्हे एक साथ बदलाए जाते हैं तो उसके बाद आपको जो पेन होगा वो एक्सट्रीम होता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन किलर्स देने पड़ते हैं, एंटीबायोटिक की डोजेज ज़्यादा लगती है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता रहता है। तो मैं आपको पर्सनल राय यही दूंगा कि दोनों कूल्हे एक साथ नहीं बदलवाने चाहिए, दोनों कूल्हों के अंदर आपको कुछ दिन का गैप रखना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि सर, हम दोनों कूल्हे अगर अलग अलग बदलवाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो पैर है वो ऊपर नीचे हो जाएगा? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। जब पहला हिप रिप्लेसमेंट होगा उसके बाद जब दूसरा वाला होगा तो पहले वाले के साथ लंबाई को मैच कर दिया जाएगा, इसलिए आपको किसी प्रकार की वो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। दोनों हिप रिप्लेसमेंट एक साथ कराने के पीछे कई लोगों का मॉनिटरी रीज़न भी रहता है दोस्तों। वो सोचते हैं कि दोनों का एक साथ हो जाएगा तो अस्पताल का रहना और ये सब खर्चा बच जाएगा। अगर आप लोग मनी के प्रेशर में आके ये डिसीजन ले रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करने को बोलूँगा। हमारे यहाँ दोनों हिप रिप्लेसमेंट का खर्चा इतना आएगा जितने में कई जगह सिंगल रिप्लेसमेंट होता है। तो आप खर्चे के लिए इस तरह से गलत डिसीजन मत लीजिए, कल को इससे आपको ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। वैसे भी अगर मेडिकल साइंस में देखा जाए फॉरेन में, जैसे मैं काफ़ी टाइम जर्मनी और साउथ कोरिया रहा हूँ, कहीं पर भी वहाँ पर दोनों हिप रिप्लेसमेंट एक साथ नहीं किए जाते। ये चलन इंडिया में ही आया, शायद वो मॉनेटरी प्रेशर की वजह से आया या इस वजह से आया कि लोग दूर से जाते हैं तो वो सोचते भाई हमारे रिश्तेदार कितने दिन रुकेंगे, एक साथ ही दोनों करा के चलता हूँ। वो एक साथ दोनों कराने के चक्कर में कई बार दोस्तों मैंने नुकसान होता हुआ देखा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दोनों हिप तो कभी एक साथ नहीं कराने चाहिए। दोनों हिप के अंदर कम से कम 7 दिन का या 10 दिन का गैप रखिए, हो सके तो एक साइड के जब टांके निकल जाएं यानी 14-15 दिन बाद, तब आप दूसरा करवाइए, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। दूसरा हिप रिप्लेसमेंट के बाद हम कुछ दिनों तक आपको वॉकर से चलने की सलाह देते हैं। अगर आपने दोनों एक साथ करा लिए तो आप वॉकर से चलोगे तो भी दोनों पर काफ़ी लोड पड़ेगा, तो इसलिए मेरे आपको घर वाली सलाह ये रहेगी कि 1 बाई 1 हिप रिप्लेसमेंट कराइए। इसके अलावा भी अगर आपको ऑर्थोपेडिक से जुड़े या हिप रिप्लेसमेंट से जुड़े किसी भी चीज़ के बारे में कोई डाउट है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।